अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज टेक्निकल गाली। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे और पेज पे खुश आमदीद कहता हूं। उसके बाद हमारी जो आज की वीडियो है वो नेशनल बैंक की डिजिटल ऐप्स पे आप लोग अगर वर्चुअल कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, उसका सारा तरीकाकार जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से समझाऊंगा, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप लोग अपना वर्चुअल कार्ड जो है वो कैसे बना सकते हैं एप्लीकेशन में। मजीद अगर आपको इस बारे में कुछ जानना है या कोई सवाल करना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और बीच में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी छोड़ा हुआ है। अगर आपको कोई और इशू आ रहा है जो आप कमेंट पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को प्रॉपरली हेल्प आउट करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की न्यू वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने ऐप को जो है वो लॉगिन कर रखा है आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। जो वर्चुअल कार्ड है, बेसिकली मैंने इस पे आप लोगों को समझाया हुआ है ऑलरेडी कि ये वर्चुअल कार्ड किस काम आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि वर्चुअल कार्ड आप लोग बना कैसे सकते हैं और इसका तरीकाकार क्या है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अदर पेमेंट ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये काफ़ी सारे जो है ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो आपने यहाँ से मर्चेंट पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वर्चुअल कार्ड पेमेंट के बारे में बताया जाता है कि आप अपना वर्चुअल कार्ड जो है वो बनाएं। तो हमने यहाँ पे वर्चुअल कार्ड जो है वो ऐड करना है, बनाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। जो ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वर्चुअल कार्ड की वो यहाँ पे आपको शो करता है। तो आपने इनको रीड आउट करके यहाँ से एग्री पे क्लिक कर देना है। जो वर्चुअल कार्ड है बेसिकली ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है। उसके लिए आप लोगों ने जो अपना एटीएम कार्ड नंबर होता है वो आप लोगों ने नहीं लिखना होता, उसके लिए वर्चुअल कार्ड होता है। वर्चुअल कार्ड जो होता है ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई चीज़ भी आप परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मजाजी कार्ड यानी जिसको आप तसव्वुर कर सकते हैं कार्ड है लेकिन होता नहीं आपके हाथ में, बट उसका नंबर भी इशू होता है आपको, उसका पिन कोड भी सारा कुछ आपको इशू होता है। तो वो कार्ड आप लोगों ने जो है यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले ओटीपी पूछा जा रहा है कि आपको ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आप यहाँ पे सबमिट करें। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है तो यहाँ से मैं जो है इंटर कर देता हूँ। ओटीपी इंटर करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। जो ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर वर्चुअल कार्ड पिन। जो आप लोगों का वर्चुअल कार्ड का पिन होगा वो आप लोगों ने बनाना है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बाकी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप लोगों ने अपना एम पिन जो है वो अपने एटीएम कार्ड का जो पिन कोड है उसी को ही आप एज ए एम पिन रखें, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा क्योंकि ये पिन कोड आप लोगों को बाहर यूज़ करना पड़ सकता है और एज ए सिक्योरिटी रीज़न आप लोगों का जो पिन कोड है, जो वर्चुअल कार्ड का पिन कोड है वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ये दोनों आपस में मैच नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं वर्चुअल कार्ड का जो पिन कोड है वो सेट कर देता हूँ। वर्चुअल कार्ड का जो पिन कोड है वो ऊपर एंटर करने के बाद आपने वही सेम नीचे एंटर करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। वर्चुअल कार्ड का जो पिन है जो ही आप इंटर करते हैं तो आप लोगों के सामने एक पॉपअप मैसेज सामने शो होता है जिसमें वर्चुअल कार्ड पिन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो आपने यहाँ पे इसको कर देना है ओके। जो ही आप ओके करते हैं तो आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो कामयाबी से बन चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अपना वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे एक लाइक कर दें, साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।